All right, so joining us right now is the Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Baghel. Mr. Baghel, thank you so much for talking to NDTV. Mera pehla sawal aapse ye hai ki ek aisi sthiti ab aa rahi hai ki hum dekh rahe hain ki chhatron ka ek andolan chhid gaya hai. Digital dharna wo de rahe hain ki wo imtihan dein ya na dein. ये मामला अदालतों में गया है, ये मामला सरकार के पास गया है और सरकार कुछ तर्क दे करके कह रही है नहीं, करियर बर्बाद हो जाएगा, इस वजह से इम्तिहान देना जरूरी है. छात्रों का कहना है जीवन तबाह हो जाएगा अगर वहां गए और ये संक्रमित होकर के घर लौट आए. मैं जानना चाहता हूं आपका मत. राज्यों की जो स्थिति है वो राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो बेहतर जानते हैं, सरकारें जानती हैं, लोग जानते हैं. भारत सरकार ने भी पहले ये परीक्षा मई की जगह इसको सितंबर में किया था. अब तो जब मई की अपेक्षा कोरोना और आगे बढ़ गया है, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, जो एक महीने बढ़ रहे थे वो एक सप्ताह में बढ़ने लगे हैं. तो अभी स्थिति है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है. ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को खतरे में डालें, मैं नहीं समझता कि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है. और इसीलिए छात्र लोग भी चाहते हैं और राज्य सरकारें भी जो व्यवस्था देख रही है वो भी ये चाहते हैं कि भी इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए. और इसलिए सरकारों को भी चिट्ठी लिखे, केंद्र सरकार को सभी राज्यों ने चिट्ठी लिखी, बहुत सारे राज्यों ने भी चिट्ठी लिखी, अब वो न्यायालय में भी गए हैं. तो उम्मीद ये करते हैं कि जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा कोई हो नहीं सकता और इसलिए हम बच्चों को खतरे में डालें ये कतई उचित नहीं है. इसे बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे दो महीने के लिए बढ़ाएं लेकिन बढ़ाएं, बच्चों को नुकसान ना हो इस बात का भी ध्यान हमको रखना है. साथ ही जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो इस बात को भी हम लोगों को ध्यान रखना. एक तर्क सरकार देती है, केंद्र सरकार ये दे रही है कि देखिए कितने सारे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए, इसका मतलब बच्चे देना चाहते हैं इम्तिहान. दूसरा तर्क उनका ये है कि कब तक इसको हम पोस्टपोन करते रहें, एक कोई समय सीमा होनी चाहिए ना कितना पोस्टपोन करें, वरना जीवन बर्बाद चला जाएगा, एक साल जो है आपका वेस्ट चला जाएगा, अगले साल डबल कैंडिडेट हो जाएंगे और सीटें उतनी ही रहेंगी. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं भूपेश जी, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार गिना रही है इनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए डाउनलोड तो करेंगे ही क्योंकि आप एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिए तो डाउनलोड नहीं करेंगे वाली बात है. और डाउनलोड कर दिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है. दूसरी बात ये है कि कोरोना दूसरे देशों में आप देखेंगे जो ट्रेंड रहा है एक पीक में पहुंचने के बाद उतार में आता है, उसी प्रकार से अभी हिंदुस्तान में अभी पीक अभी आया नहीं है. पीक में आने के बाद जब उतार में आया उस समय आप कराएं तो काफी कुछ नियंत्रण में रहेगा. अभी कितना बढ़ेगा ये भी पता नहीं, पीक कब आएगा ये भी पता नहीं है. तो ये पीक में आने दीजिए, हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने पीक में रहेगा या तो उसके बाद फिर ढलान में आएगा तो बहुत सारी नियंत्रित हो जाएगा. दो महीने में कितना अंतर पड़ जाएगा, लेकिन दो महीने आप खतरे में क्यों डाल रहे हैं? नहीं भूपेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मुझे बताइए कि इतना बड़ा इम्तिहान है, 25 लाख कुछ छात्र हैं जेई और नीट के मिला करके, जाहिर सी बात है अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है. NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनका यह कहना है कि हमने तो लिख दी चिट्ठी राज्य के चीफ सेक्रेटरीज को, DGPs को, DMs को कि भाई आप सारी व्यवस्था कर लीजिए. क्या आपको लगता है, कल हमने बात की हेमंत सोरेन से और अमरिंदर सिंह से, उनका ये कहना है ये तो राज्यों पर मरने की पूरी योजना है कि कल को अगर कुछ गलत हुआ तो केंद्र आसानी से कह देगा कि ये राज्य के अधीन आता है, उन्होंने किया नहीं, और कानूनी रूप से आता ही है आपके अधीन. तो बात बिल्कुल सही है, कानूनी रूप से राज्य के ऊपर आता है तो लेकिन राज्य के सुझाव को भी मानना चाहिए. इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये स्थिति नहीं है कि हम इतने सारे बच्चों को एक साथ बिठा के परीक्षा ले सकें, उनके रहने की व्यवस्था कर सके, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो सके. और ऐसी स्थिति में भय के वातावरण में बच्चे आएंगे तो वो वैसे ही भयभीत रहेंगे तो पढ़ाई फिर एग्जाम किस प्रकार. ये सवाल बीजेपी के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे भूपेश जी? एक तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है ना, ये सिर्फ ऑपोजिशन के राज्यों से ही ये सवाल क्यों आ रहा है? जो हमारी स्थिति है हमने अवगत कराया, उनके राज्य भाई वहां तो स्थिति ये है कि एक के दो के अलावा कोई बोल ही नहीं सकता, तो फिर उनके शासित राज्यों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. तो ये स्थिति है, यदि हम बोल पा रहे हैं तो कसम लोगों की बात तो ऊपर तक पहुंचा रहे हैं. तो जब बात आ गई है भारत सरकार के संज्ञान में तब तो फैसला लेना चाहिए, हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, बच्चों के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए. यदि हम लोग कोई सुझाव दे रहे हैं
तो क्या हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाए? लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि बच्चों के जीवन सुरक्षित रहे, परीक्षा भी हो जाए, साल भी नुकसान ना हो, नवंबर में कर लें, उस समय यदि अनुकूल स्थिति होती है नवंबर में परीक्षा करा लें। आपको लगता है भूपेश जी, जिस तरीके से चाहे जीएसटी पर एक समन्वय समिति होती है, एक बैठक होती है जिसमें सारे राज्य भी बैठते हैं, केंद्र के भी प्रतिनिधिमंडल होता है, उसी तरीके से देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग, एक कोई ऐसी मीटिंग हो जाए जिसमें राज्य के साथ बैठ करके केंद्र ये फैसला ले कि किस तरीके से ये एग्जाम कराए जा सकते हैं। मैं इतने दिनों से ये प्रोग्राम कर रहा हूं भूपेश जी, आपको ताजुब होगा सुन के, एक भी छात्र ने ये नहीं बोला है कि कैंसिल कर दो। वो कह रहे हैं अभी स्थिति अनुकूल नहीं है, आप उसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद हम इम्तिहान देने के लिए ही तो बैठे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप लोग साथ में बैठेंगे तो आ जाएगा। बहुत स्वागत योग्य है और भारत सरकार को ये सुझाव मान लेना चाहिए कि जिस प्रकार से जीएसटी में जीएसटी काउंसिल बनाया गया है और सभी राज्यों के प्रतिनिधि वहां जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसी प्रकार से ये नीट और जेईई की परीक्षा भी के मामले में सबसे राय शुमारी करके कोई फैसला ले, तो सर्वानुमति से कोई फैसला ले तो निश्चित रूप से वो कारगर होगा। ये एक तरफा फैसला लिए हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने में राज्यों को कठिनाई आ रही है, तो इसमें आपका जो सुझाव है बिल्कुल स्वागत योग्य है और भारत सरकार को इस सुझाव को अमल करना चाहिए। भूपेश जी, अब ये आप भले इसको थोड़ा हाइपोथेटिकल कहेंगे, लेकिन आप बच्चों के बारे में अगर सोचेंगे कि अभी 3-4 दिन बाद उनका इम्तिहान ड्यू है, तो जाहिर सी बात है ये सवाल उनके मन में भी आना लाजमी है। सवाल ये है कि आज की डेट में अभी तक स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए हैं, रिव्यू अपील की बात कर रहे हैं, अगर एग्जाम होते ही होते हैं, सरकार कहती है नहीं हम करा के ही रहेंगे, जो कि अभी सरकार का रुख है केंद्र सरकार का, ऐसे में क्या आप व्यवस्था कर पाएंगे? क्योंकि आपका पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। उपाध्याय जी, यदि इम्तिहान के दिन ही बच्चे यदि कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसको बुखार आ गया और उसको सांस लेने में तकलीफ शुरू होने हो जाएगी, तो फिर क्या भारत सरकार उनको दोबारा मौका देगी? जब लाखों लोग एक जगह एकत्रित होंगे और उसमें वो स्थिति निर्मित होगी, तो क्या ये अवसर भारत सरकार उनको पुनः देगी? क्योंकि कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है ये फैसला कैसे हो सकता है? और यदि अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि ये तो पल पल में किस प्रकार से आ रहा कोरोना, उसके लक्षण बार बार बदल रहे हैं, तो ऐसे में कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये जो परीक्षा दिलाने आ रहे हैं वो बच्चे स्वस्थ ही हैं? क्या वहाँ एग्जाम हॉल में यदि उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, तो क्या वहाँ जो परीक्षक है वो क्या उसको बाहर करेगा कि उसको परीक्षा देने देगा? उसी समय यदि पता चलता है कुछ विद्यार्थियों को कि ये कोरोना पॉजिटिव है, तो वैसी स्थिति में वहां के जो अधिकतर, तो आपका ये कहना है भूपेश जी, इसमें बहुत सारे ना सुलझे हुए या उलझे हुए सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं आया, और जब तक वो ना आ जाए तब तक इम्तिहान टाले जाए? बिल्कुल टाला जाना चाहिए। अभी बच्चों के जीवन को खतरे में डालना कतई उचित नहीं है। भारत सरकार इसमें सहानुभूति पूर्वक विचार करे, अड़ियल रूप से काम नहीं चलेगा। एक सवाल मैं आपसे आखिरी पूछना चाहता हूं। देखिए, कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से भी उठाए गए हैं, बहुत सारे राज्यों के भी इम्तिहान होते हैं जो कि कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहे हैं, जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात कर लूं, अब राजस्थान के आप मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी में है, आपको नहीं लगता कि आपके आंदोलन, कांग्रेस की जो नेशनल पोजिशन है जेईई नीट पे, वो कमजोर होती है? क्योंकि आप ही के शासित राज्य अपने स्टेट में तो एग्जाम करा रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ और रुख है, आपके राज्य की जैसे क्या स्थिति नहीं हो रहा है? मैं उसके बारे में जानकारी नहीं वहाँ के बारे में, लेकिन यहाँ के यहाँ तो भी परीक्षा नहीं हो रहे हैं। हाँ। हम लोगों ने तो जो फाइनल ईयर के छोड़ के सब बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया है। जी, भूपेश बघेल जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस राइट। धन्यवाद, धन्यवाद उपाध्याय।